हेलो गाइस, दिस सुधांशु मंदन एंड वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन के बारे में। सो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों का तो 3 साल में 6-2 सेमेस्टर होगा, तो आप लोगों का इंटरनल भी होता है। तो क्या होता है, जो सेमेस्टर होता है वो हर 6 महीने में एक बार ही आपका सेमेस्टर होता है, और जो इंटरनल होता है वो आपका सेमेस्टर एक सेमेस्टर से 2-3 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले आप लोगों का इंटरनल रहता है। ठीक है, जो इंटरनल रहता है वो 20 मार्क का रहता है, और जो सेमेस्टर्स रहता है आपका 80 मार्क्स रहता है, और जो टोटल मार्क निकलता है वो आपका सेमेस्टर और इंटरनल मार्क मिला के 100 मार्क में से आप जितना सिक्योर क्योंगे वो मार्क निकलेगा। तो एक साल में ऑब्वियसली आपका 2 सेमेस्टर रहता है, तो ऑब्वियसली 2 इंटरनल भी रहता है। तो उस हिसाब से देखो तो आप लोग 6 सेमेस्टर्स भी दोगे और 6 इंटरनल्स भी दोगे। ठीक है, सो उस टाइप का ही है। और ऐसा नहीं कि आपका लास्ट सेम इम्पोर्टेंट है या फिर सेकंड सेम इम्पोर्टेंट है, वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल 6 को 6 सेमेस्टर आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जो मार्किंग निकलेगा ना, उसमें जो परसेंटेज आएगा वो कोई एक सेमेस्टर का परसेंटेज आप लोगों का नहीं आएगा, वो 6-2 सेमेस्टर मिला के एग्रीगेट परसेंटेज आएगा, और उसी को ही आप लोगों को सारे जगह पे आप नया एडमिशन करो वहाँ पे भी वही परसेंटेज आपका जो एग्रीगेट है वही परसेंटेज लिखोगे, और कोई नौकरी भी अप्लाई करो तो एग्रीगेट परसेंटेज लिखोगे। तो मेरा कितना परसेंटेज आया है ग्रेजुएशन पे, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 68.55% आया है, और जो टॉपर हुआ है अजीत यादव बोल के उसका 73% आया है। तो आप लोग इधर से सोच सकते हो कि हमारे टाइम में BBA पे कितना ख़राब मार्किंग चल रहा था। तो ऑब्वियसली जो बंदा 80+% सिक्योर करना, मतलब उसका कैपेसिटी है, वो बंदा 73 सिक्योर किया, और वो नॉमिनेट भी है, मतलब आप लोग लिस्ट भी देख सकते हो, अजीत यादव नाम है उसका, वो 73% सिक्योर किया है। तो मेरा 68.55, आई एम हैप्पी विद इट, क्योंकि 73% हाइस्ट गया है, तो मेरा 68.55 ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों को किस टाइप का सर्टिफिकेट मिलता है और क्या क्या सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और समय सारा का सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा आपका मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट है ये, इधर रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का लोगो होगा, ये एक लोगो भी है रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का। तो ये मार्कशीट एक मिलेगा, बिल्कुल 6 सेमेस्टर मिला के एक मार्कशीट मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें कि आपका ग्रेड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो मेरा जो ग्रेड है वो है B+ है, और जो CGPA है वो है 7.51। ठीक है, सो और उसके बाद आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, इसको भी अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक आप लोगों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा TC, ठीक है, इसको भी अप्लाई करना पड़ता है, और एक कंडक्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सर्टिफिकेट्स मिलता है ऑब्वियसली, एक मार्कशीट, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक कंडक्ट सर्टिफिकेट, और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा। ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं, तो आप लोग ध्यान देकर पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है कि ये सेमेस्टर ख़राब कर देना है दूसरा सेमेस्टर। और मेरा भाई, मेरा मतलब मैं डिस्टिंक्शन पे पास नहीं हुआ हूँ, ऑब्वियसली मैं इम्प्रूवमेंट्स भी भरा था, क्योंकि मेरा मार्क 1-2 सेमेस्टर पे कम था, तो इसलिए मैंने इम्प्रूवमेंट्स भरा था। इम्प्रूवमेंट्स क्या है उसका मैं दूसरा वीडियो पे मैं बनाऊँगा इसके बाद वाला। ठीक है, उस वजह से मेरा डिस्टिंक्शन नहीं आया है। ठीक है, सो यही था आज का वीडियो, इधर ही बंद करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो।